ओनर है, तो भाई बोलो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था, बोलो। दो दिन से हमारा गाड़ी का जो मीटर पे जो चेकलम आता था वो पूरा तरह से, मतलब जितना भी चेकलम है उतना पूरा ऑन हो जा रहा था। फिर हम अनवर भाई को कॉल किया, उसने बोला कि हमारा पास लेके आओ गाड़ी, तो हम गाड़ी को लेके आए। लेके आने के बाद अनवर भाई ने अच्छे से मतलब गाड़ी का पूरा चेक किया। बस उसी का अनवर भाई को मतलब पूरा क्रेडिट आना चाहिए कि क्या किया हमको नहीं मालूम, लेकिन जो भी किया एकदम गाड़ी पूरा परफेक्ट कर दिया। बस हमको इतना ही कहना है कि अगर आपको कोई काम है तो अनवर भाई का पास आइए, ये बहुत बढ़िया काम करता है। हमारा तीन गाड़ी है, यही पूरा इसको भी हम मतलब हमारा पूरा जितना गाड़ी है तीन गाड़ी है, अनवर भाई को ही हम दिखाते हैं। हमारा किसी भी गाड़ी को कोई भी दिक्कत होता है तो हम अनवर भाई के पास आते हैं। गाड़ी का जो काम करता है 100% परफेक्ट करता है। बस हमको तो इतना ही कहना है भाई। ओके, थैंक यू भाई हसन भाई। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मीटर बोर्ड में सारे के सारे लाइट, जो चेक लाइट, एमआई लाइट और स्टॉप लाइट, रिजर्वेशन का बत्ती, ड्राइवर वार्निंग लैंप, टीएफ मीटर खाली, टेम्परेचर मीटर भी फुल बता रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसका जो लिफ्ट एक्सेल स्विच दबा देंगे, तो फ्रेंड्स ये लिफ्ट एक्सेल का स्विच दबाने से आप देख सकते हो मीटर बोर्ड एकदम नॉर्मल हो गया है, आप देख सकते हो भाई। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो गाड़ी स्टार्ट हो रहा है सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ये जो न्यू लिफ्ट एक्सेल का स्विच बंद कर देने से ये जो मीटर का बत्ती सब जल रहा है, बुझ रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या फॉल्ट होगा तो देखेंगे, लिफ्ट एक्सेल से क्या प्रॉब्लम हो गया जो ऐसा मीटर बोर्ड के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखते रहे। और अब फ्रेंड्स, अब देख सकते हो गाड़ी भी स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो अब देख सकते हो इस टाइम जो जब ये लिफ्ट एक्सेल का स्विच नहीं दबा रहता है तो लैपटॉप भी कनेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, लिफ्ट एक्सेल का स्विच दबा के ही हम जो लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे और उसका फॉल कोड देखेंगे। ओके भाई, तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो, दिस इज अनवर सेक एंड ओरिजिन कमेंट सर्विस एंड ओर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जो इस मीटर बोर्ड में BS6 4825 ये गाड़ी है, तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है तो सबका मीटर का जो सब बत्ती जल रहा है, बुझ रहा है, तो ये BEC रिलेटेड फॉल कोड बता रहा है, क्योंकि इसमें हेडलाइट, पार्किंग लाइट कुछ भी नहीं जल रहा है। तो ये VCU रिलेटेड जो ये हेडलाइट, पार्किंग लाइट, वाइपर मोटर, ये लिफ्ट एक्सेल का बहुत सारा फंडा है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बताएंगे जो आप पहले VCU जो वायरिंग डायग्राम जो है, जो 24 वोल्ट सप्लाई एंड ग्राउंड और इग्निशन सप्लाई जो है, इसके ऊपर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को समझ में नहीं आएगा भाई, तो पहले उस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो को अच्छे से वायरिंग डायग्राम नोट कर लेना भाई। ओके, सो आज इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये लिफ्ट एक्सेल का स्विच दबा के जो लैपटॉप कनेक्ट किया, आप देख सकते हो फॉल कोड एक्टिव में है 427। तो फ्रेंड्स, J1939 का ये फॉल कोड है, अब नॉर्मल अपडेट रेट बता रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लिक करके देख लेते हैं क्या है। तो 427 जो फॉल कोड है ये आप देख सकते हो VECU रिलेटेड जो ये फॉल कोड बता रहा है। तो इसमें लिफ्ट एक्सेल का स्विच बिना दबाए तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, और इसमें लिफ्ट एक्सेल स्विच दबा के ये कनेक्ट हो रहा है, लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है। मतलब ये जो VECU में जो सप्लाई है लिफ्ट एक्सेल का स्विच से 24 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप वायरिंग डायग्राम अच्छे से नोट कर सकते हो। इसमें J1939 का जो पिन नंबर है ECM से आता है 33 एंड 34, ये नोट डाउन कर सकते हो भाई। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें जो VC12 है ये जो है कपलर का VC1 और VC2 का है, और इसमें जो टर्मिनेटिंग रजिस्टर का जो कैन हाई एंड कैन लो रिलेटेड जो वायरिंग डायग्राम दे रखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर VCU रहता है, तो इसमें VCU और यहाँ पर फ्यूज बॉक्स, तो फ्यूज बॉक्स और VCU में ये एक कपलर और दो कपलर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वायरिंग डायग्राम के ऊपर वीडियो बना चुका है हम, तो फिर से ये वीडियो वायरिंग डायग्राम नहीं बनाएंगे,
तो फ्रेंड्स आप दूसरा वीडियो जो है मेरा इस चैनल में पहले इससे पहले डाला हूँ तो उसको आप देख लो भाई। तो फ्रेंड्स इसमें जो आप देख सकते हो VEC IC GPS करके जो एक फ्यूज होगा तो ये इग्निशन सप्लाई का फ्यूज होता है जो जाता है VCU का F2 पिन नंबर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स हम उसको चेक किया तो सामने ये जो मिला है आप देख सकते हो, तो ये सामने वायर टूटा हुआ था तो शॉर्ट हो गया था। तो इसके बाद हम वहाँ पर उसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सप्लाई चेक करता हूँ तो ये एक नंबर में दे रहा है और इसमें दो नंबर दे रहा है और जो तीसरा वायर कटा हुआ था वो सप्लाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो रेड में ब्लैक कलर का वायर कटा हुआ था इसमें जो सप्लाई नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये सप्लाई कहाँ से आता है आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो सप्लाई आता है डायरेक्ट बैटरी के पास से, तो रेड पे ब्लैक कलर का वायर जो है आपको ध्यान से रखना है, जो रेड पे ब्लैक कलर का वायर है VCU का वायर। तो फ्रेंड्स हमें बैटरी के पास जो फ्यूज है फ्यूज पे चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये फ्यूज का आप देख सकते हो फ्यूज यहाँ पर मिडिल में जो फ्यूज रहता है इसमें ऊपर देख सकते हो इसमें वोल्टेज आ रहा है और नीचे तरफ हम जला के चेक कर लेते हैं एक बार। तो नीचे तरफ जो आउटपुट जाता है फ्यूज का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कोई सप्लाई नहीं है। तो ऊपर सप्लाई दे रहा है नीचे तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें जो शॉर्ट हुआ था शॉर्ट होने के बाद आप देख सकते थे जो वहाँ पर वायर कट गया था पूरा का पूरा और थोड़ा सा लगा हुआ था तो ये फ्यूज कट गया लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो फ्यूज का कंटिन्यूटी चाहे किसी का कंटिन्यूटी आप ये इग्निशन वन कंडीशन में ना चेक करें वही भला है। तो फ्रेंड्स ये इग्निशन वन कंडीशन में फ्यूज का कंटिन्यूटी चेक नहीं करना चाहिए, ओके। तो चाबी ऑफ करके ये जो फ्यूज का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं जो मेन स्विच फेंक के, तो ये कंटिन्यूटी फ्यूज कटा हुआ है। और इससे पहले आपको दिखा देता हूँ ये यहाँ पर जो जहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा था आप देख सकते हो ये वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब ये जो अब ये देखते हैं जो VCU का जो सप्लाई वायरिंग डायग्राम जो है L2, L3, L4 जो पिन नंबर है और L2, L3, L4 कपलर 1, कपलर 2 में वोल्टेज पहुंच गया। तो हम आपको दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट एक्सल का स्विच जो है दबा नहीं है आप देख सकते हो। तो अभी ये जो गाड़ी है पूरा का पूरा ठीक हो गया और हेडलाइट पार्किंग जो हॉर्न वगैरह सब कुछ था ये सब कुछ चलने लगा वहीं पर सब कुछ चलने लगा। तो फ्रेंड्स ये जा था प्रॉब्लम VCU रिलेटेड। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था जो वोल्टेज बैटरी का जो 40 एम्पियर फ्यूज से मोटा वायर से जाता था तो वो फ्यूज कटने के वजह से लिफ्ट एक्सल का स्विच से पकड़ लिया। तो ये इसी के कारण ये वोल्टेज अप डाउन हो रहा था और इसमें लिफ्ट एक्सल स्विच से काम कर रहा था VCU।